भाई जिगड़ में दम रखने वालों से पूरी दुनिया डरती है, और ये डर जरूरी भी है, खासकर जब आपको देश बचाना हो। चाणक्य से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक सबने अपने जिगड़े से वो कर दिखाया है जिसके बारे में हम आज तक पढ़ते हैं। और ऐसी ही एक स्टोरी है रानी दिद्दा की। कई लोगों ने तो पहली बार ये नाम सुना, क्योंकि हमारी हिस्ट्री की बुक्स में ये नाम ज़्यादा आता ही नहीं है। शायद लिखने वाले इनके बारे में कागज पर लिखना भूल गए या उनकी स्याही खत्म हो गई, पता नहीं, लेकिन हम सब अब इनको जल्द ही बड़े पर्दे पर देखेंगे। दरअसल कल कंगना रनौत ने अपनी आने वाली फिल्म मणिकर्णिका रिटर्न्स द लेजेंड ऑफ दिद्दा को अनाउंस कर दिया। तब से ही लोगों में सवाल है कि आखिर ये रानी दिद्दा थी कौन। हमने जब इनके बारे में पढ़ा तो दंग रह गए। आजकल एक बड़ा फेमस डायलॉग चल रहा है, पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल, और ऐसी ही पावरफुल शख्सियत थी रानी दिद्दा। कश्मीर में इन्होंने लगभग 50 साल तक राज किया। आपका दिमाग जिस लेवल तक सोच सकता है, उन्होंने उससे भी बड़े काम किए। जब इन्होंने 35,000 की सेना को सिर्फ 500 लड़ाकों की मदद से 45 मिनट के अंदर हरा दिया। इतिहासकार मानते हैं कि रानी दिद्दा का अपने दुश्मनों को मारने का तरीका बड़ा ही क्रूर था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इससे एक मैसेज देती थी कि उनकी रियासत के अंदर घुसने वालों का क्या अंजाम हो सकता है। दिव्यांग होने के बाद भी वो कभी हारी नहीं। आज भी कश्मीर की आखिरी रानी होने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने महमूद गजनवी को दो बार हराकर वैसे ही वापस भेज दिया जैसे हमारे सोल्जर भाइयों ने चीनियों को 4 कंटाप मार के वापस भेज दिया था। वही खूंखार महमूद गजनवी जिसके हिंदुस्तान में प्रवेश करने के बाद जो विध्वंस हुआ, उसका अपना एक लंबा इतिहास है। सोमनाथ मंदिर पर उसी ने हमला किया। उनसे जुड़ी कई कहानियां भी प्रचलित हैं जिसमें ये बताया जाता है कि आसपास के राजा उन्हें चुड़ैल रानी बुलाते, क्योंकि उन्हें भरोसा ही नहीं था कि एक औरत गजनवी जैसे लुटेरे को भी हरा सकती। उनके लिए तो बस ये चुड़ैल ही थी जिसके पास काला जादू की कला थी, ऐसा उनका कहना था। लेकिन रानी दिद्दा ने कभी भी अपने पीछे बोलने वालों की परवाह नहीं। गुरिला वॉरफेयर टैक्टिक्स देने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। इनकी बहादुरी को देखकर ही इनके पति सेनगुप्त ने अपने नाम के आगे इनका नाम लगाया। दिद्दक सेनगुप्त कहलाए वो। राजा सेनगुप्त के मरने के बाद भी उन्होंने सती होने से साफ मना किया और राजगद्दी संभालने के साथ अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया भी। राजनीति में उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी, लेकिन किस्मत की मार ऐसी पड़ी कि बाद में उसी लड़के ने उनको महल से निकाल दिया, जिसके बाद भी उन्होंने अपने राज्य के लोगों के साथ जुड़ाव जारी रखा। पूरे एशिया और ईरान जैसे देशों तक व्यापार मजबूत करने, सैकड़ों मंदिरों के निर्माण और अखंड भारत को बचाए रखने में उनका कंट्रीब्यूशन कोई भुला नहीं सकता। उनकी वजह से ही कश्मीर के रास्ते घुसपैठ की कोशिश करने वाला महमूद गजनवी गुजरात के रास्ते हिंदुस्तान में आने को मजबूर हो गया। इसीलिए तो मैंने शुरुआत में कहा था कि जिगड़ में दम रखने वालों के सामने दुनिया झुकती है भाई साहब। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य के बाद अगर किसी ने इतने बड़े लेवल पर इतने साल राज किया तो रानी दिद्दा उनमें से ही एक थी। इनकी कहानी को जब हम बड़े पर्दे पर देखेंगे तो दो फायदे होंगे भाई साहब। एक तो अपनी हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में हमें पता चलेगा तो गर्व महसूस होगा, और दूसरा हम एक ऐसी कहानी को बड़े पर्दे पर देख पाएंगे जो रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरंगनाओं की लिस्ट में आती है। क्या इनकी कहानी आपने भी पहली बार सुनी? सुन के कैसा महसूस हुआ आपको कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इस देश के इतिहास को, भारत के इतिहास को सही तरीके से दर्शाती हुई फिल्में बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए दोस्तों, कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। ख्याल रखना, वी आर साइनिंग आउट। जय हिंद, वंदे मातरम।